हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2006 में रिलीज हुई मूवी पोसाइडन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप सर्वाइवल मूवी लवर हैं, तो आप इस मूवी को लास्ट तक छोड़कर जा ही नहीं पाओगे। कहानी की शुरुआत में हम एक लग्जरी क्रूज शिप RMS पोसाइडन को देखते हैं। ये क्रूज शिप यूरोप से अमेरिका जा रही थी, जिसमें पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर सैकड़ों लोग होते हैं। इस शिप पर नेवी सबमरीनर डायलन, न्यूयॉर्क सिटी का मेयर रॉबर्ट और उसकी बेटी और होने वाला दामाद जेनिफर और क्रिश्चियन होते हैं। कुछ ही दिन में जेनिफर और क्रिश्चियन की शादी होने वाली है। इनके अलावा शिप पर एक आर्किटेक्ट जिसका नाम नेल्सन है, एक विधवा औरत और उसका बेटा मैगी और कॉनर भी सवार होते हैं। इनके नाम मैंने आपको इसीलिए बताए क्योंकि ये स्टोरी इन्हीं के अराउंड घूमती है। ये सभी लोग शिप में अपने सफर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शिप के अंदर बॉल रूम में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, जिसमें सैकड़ों लोग डांस कर रहे थे। इन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर में इनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसके बारे में इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अंदर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी और बाहर समंदर में एक बहुत बड़ी वेव इनके शिप की तरफ बढ़ रही थी। वेव को देखकर शिप का कैप्टन शिप को दूसरी तरफ मोड़ने का ऑर्डर देता है। वो पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन इससे पहले शिप दूसरी तरफ मुड़ पाती वो वेव इनके साथ टकरा जाती है और इस टकराव में ये शिप RMS पोसाइडन पूरी तरह से पलट जाती है। इस हादसे में शिप के अंदर मौजूद बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। बहुत लोग जख्मी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग शिप के अंदर बचे हुए थे। शिप पूरी तरह से पलट चुकी थी। शिप के बहुत सारे हिस्सों में पानी भर गया था, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से ऐसे थे जिनमें पानी नहीं भरा था। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और कुछ लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। शिप के जिस हॉल में पार्टी चल रही थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा थे। वहाँ पर शिप का कैप्टन माइकल भी जिंदा था। वो सभी लोगों को एक जगह पर जमा करता है और उनसे कहता है कि हॉल में पानी भरने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक हमारे लिए रेस्क्यू टीम आएगी और हम सबकी जान बच जाएगी, लेकिन तब तक हमें शांति से रहना होगा। ये सुनकर रॉबर्ट शिप के कैप्टन से बात करता है। दरअसल रॉबर्ट की बेटी शिप के किसी दूसरे हिस्से में थी। उसे यकीन था कि अभी उसकी बेटी जिंदा होगी। वो शिप के कैप्टन से कहता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने जा रहा हूँ। हालांकि शिप का कैप्टन उसे अलाउ नहीं करता, लेकिन उसकी बात बिना सुने हुए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। उसकी मुलाकात सबमरीनर डायलन से होती है। डायलन भी इस शिप से बाहर निकलकर अपनी जान बचाना चाहता था। वो रॉबर्ट का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। चलते चलते उनके साथ और भी लोग जुड़ते हैं, जिनमें आर्किटेक्ट नेल्सन, विधवा मैगी और उसका बेटा कॉनर और एक वेटर मार्को होते हैं। उन्हें शिप में चलते चलते हर तरफ लाशें दिखाई दे रही थी। उन्हें लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ता है। वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें लिफ्ट के पैसेज को पास करना था। वो लोग वहाँ पर खुद ही ब्रिज बनाकर उस पैसेज को पार करने लगते हैं। एक एक करके वो सभी दूसरी तरफ आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वेटर मार्को की बारी आती है तो उनका ब्रिज टूट जाता है और वो आर्किटेक्ट नेल्सन की टांग पर लटक जाता है। ऊपर से लिफ्ट भी उनके ऊपर गिरने वाली थी, इसीलिए नेल्सन उसे बार बार लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और कुछ देर बाद ही उसके ऊपर लिफ्ट भी गिर जाती है और मार्को मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बॉल रूम में क्रिश्चियन की टांग के ऊपर एक पोल गिर गया था। जेनिफर, एलिना और एक आदमी लैरी की मदद से उस पोल को हटाते हैं और क्रिश्चियन को फ्री करते हैं। तब तक वहाँ पर रॉबर्ट भी दूसरे लोगों के साथ पहुँच जाता है और अपनी बेटी और अपने दामाद से मिलकर वो बहुत खुश होता है। इसके बाद सभी एक साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। एलिना को बहुत डर लग रहा था, लेकिन तभी नेल्सन उसके पास आता है और उसे समझाता है कि अगर वो आगे नहीं बढ़े तो वो यहीं पर मारे जाएंगे, उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ देर के बाद वो लोग शिप की लॉबी में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो लोग एक पोल की मदद से लॉबी को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। एक एक करके सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए लॉबी के दूसरी साइड पर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही लैरी उस पोल की मदद से लॉबी को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तभी शिप का एक इंजन उसके ऊपर गिर जाता है और क्रश होने की वजह से वो मारा जाता है। जेनिफर, डायलन और रॉबर्ट ब्रिज के टूटने की वजह से लॉबी के दूसरे साइड पर ही फंस जाते हैं, लेकिन डायलन सही वक्त पर दिमाग लड़ाता है। वो वाटर पाइप को लॉबी के एक तरफ बांध देता है और खुद नीचे पानी में कूदकर उस पाइप को लॉबी के दूसरी तरफ पर पहुंचाता है और वाटर पाइप को वहां पर बांध देता है, जिसके बाद रॉबर्ट और जेनिफर लॉबी को पार करते हैं। शिप में अब तक बहुत सारा पानी भर चुका था और शिप के बॉल रूम में अभी भी लोग मदद के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है
कि पानी की वजह से उस बॉलरूम के दरवाजे टूट जाते हैं और वहाँ पर पानी भरने लगता है। पानी भरने की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। शिप में लगातार पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। रॉबर्ट और बाकी लोगों को जल्दी शिप से बाहर निकलना था, लेकिन पानी की वजह से ज्यादातर रास्ते बंद हो चुके थे, इसलिए रॉबर्ट और बाकी लोगों को शिप के एयर डक्ट से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन उनके पास अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता भी नहीं था। एयर डक्ट को पार करते हुए ये लोग शिप के बैलास्ट टैंक में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पानी में तैरकर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन बैलास्ट टैंक में एलिना केबल में फंस जाती है और पानी में डूबने की वजह से उसकी जान चली जाती है। शिप धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। शिप में बहुत तेजी से पानी भर रहा था। ये सभी लोग अब थ्रस्टर रूम तक पहुंच जाते हैं। इनका प्लान था कि ये थ्रस्टर्स के रास्ते शिप के बाहर चले जाएंगे, लेकिन थ्रस्टर रूम में पहुंचकर इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर जाता है, क्योंकि शिप के थ्रस्टर्स अभी भी घूम रहे थे और इस तरह शिप के बाहर जाना इम्पॉसिबल था। अब इनके पास सिर्फ एक रास्ता था, थ्रस्टर्स को बंद करना, जिसके लिए उन्हें शिप के कंट्रोल रूम तक पहुंचना था। लेकिन कंट्रोल रूम में पूरा पानी भर चुका था। ऐसे में रॉबर्ट वहां जाकर थ्रस्टर्स को बंद करने का डिसाइड करता है। रॉबर्ट तैरते हुए वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे दिखता है कि थ्रस्टर्स को रोकने वाला बटन डैमेज हो चुका है, लेकिन वो थ्रस्टर्स को रिवर्स करने में कामयाब हो जाता है, पर वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता और वहीं पर दम तोड़ देता है। अब प्रोपेलर्स उल्टी दिशा में घूम रहे थे, अभी भी ये लोग बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए प्रोपेलर्स को रोकने के लिए डायलन उनमें गैस टैंक फेंक देता है, जिसके ब्लास्ट होने की वजह से प्रोपेलर रुक जाता है और ये सभी लोग शिप के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद इन्हें पानी में एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट दिखती है, इसलिए सभी पानी में कूद जाते हैं और उस लाइफ राफ्ट में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी एक और बड़ी लहर आती है, जो पोसाइडन शिप को फिर से सीधा कर देती है। लेकिन अंदर पानी भरने के कारण इनकी आंखों के सामने ही आरएमएस पोसाइडन शिप पूरी तरह पानी के अंदर चली जाती है। पोसाइडन शिप के डूबने के बाद डायलन हवा में एक फ्लेयर शूट करता है, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें देख लेगा, और तभी फ्लेयर को देखकर वहां दो हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग खुशियां मनाते हैं और कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर्स इन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और इस तरह ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।